असम में पकड़ा गया ईवीएम घोटाला। वोटिंग के बाद बीजेपी नेता की कार से मिली ईवीएम। गाड़ी नंबर आओ देखो। असम में चुनाव रिजल्ट तो पहले से ही सेट है। हमारे से नंबर तो ना दे 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 गाड़ी लगाता तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो ने असम के चुनावी मौसम में आग लगा दी है। वीडियो में जो गाड़ी आपको दिख रही है उसमें दरअसल ईवीएम भरी हुई है। गाड़ी नंबर आओ देखो। AS10B0022 नंबर की सफेद बोलेरो में कई ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीनें रखी हुई हैं। आरोप है कि ये कार असम की पत्थरकंडी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। ये वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार अतानु भुयन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। देखते ही देखते कई कांग्रेस नेताओं ने इसे शेयर करके बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि अभी बीजेपी या चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी होती हैं। वीडियो एक घटना के रूप में सामने आते हैं और फिर झूठ बताकर खारिज कर दिया जाता है। प्रियंका ने आगे लिखा, बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्हें ही आरोपी ठहरा देती है जिन्होंने वीडियो एक्सपोज किए हैं। फैक्ट ये है कि ऐसे कई सारी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन इन पर कुछ नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है और सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के इस्तेमाल की जरूरतों पर एक गंभीर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। गाड़ी की सत्यता की जांच करने के लिए हमने माय नेता पर जब कृष्णेंदु पॉल की प्रोफाइल चेक की तो हमें पता चला कि उन्होंने अपने हलफनामे में जिस बोलेरो कार की जानकारी दी है उसका नंबर AS10B002 है। हालांकि यहां लास्ट नंबर 2 नहीं लिखा गया है, लेकिन AS10B002 अधूरा नंबर है और लास्ट डिजिट के तौर पर वायरल वीडियो वाली कार का 2 नंबर रख दें तो ये कृष्णेंदु पॉल की ही कार साबित हो जाती है। लेकिन ये पता लगाना तो चुनाव आयोग का काम है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ईवीएम का यूं सरेआम किसी प्राइवेट गाड़ी में मिलना खुद चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईवीएम की लूट करके ही असम में चुनाव जीत सकती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। गाड़ी लगाता तो।